दिस इज अ न्यू थिंग जो कि मेरे को भी पता लगी है। रेड रिवर कॉलेज ऐसे की करियर कॉलेज है, ये फोकस ही मेन स्किल्स पे करते हैं। कैंपस में करने का ये फायदा है कि यहाँ पे मिनिमम ही हमें $17 देते हैं घंटे के। ओके, विनिपेग में यही फायदा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आ गए होंगे आज एक नई वीडियो लेके, हमारे साथ करण है। आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि हमने आपको रेड रिवर कॉलेज का जो एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट कैंपस है उसका टूर करवाया। आज हम बात करेंगे उसके रिव्यू की कि कैसा है कॉलेज यार, क्योंकि कॉलेज में जब भी कोई विनिपेग आने का सोचता है उसको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि रेड रिवर कॉलेज हो गया, MITT कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग, चार ही ऑप्शन है मेन। बट उसमें से मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारे कवर करूंगा। जो भी आपको स्पेसिफिकली चाहिए आप कमेंट करके जरूर बता देना, और इसमें हम बात करेंगे सारे फैक्टर्स की जो कि एक रिव्यू में हमें हेल्प करेंगे देखने में कि कॉलेज कैसा है। तो मैं आपको अभी ब्रेक डाउन करके बता देता हूं कि हम क्या क्या चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंपस एंड लोकेशन की, कि कितने कैंपस हैं, कितने मतलब कहाँ कहाँ लोकेशन है उनकी, और हम बात करेंगे फिर उसके बाद अकोमोडेशन, आगे पीछे अकोमोडेशन कैसी है आगे पीछे, फिर हम जॉब सिनेरियोज की बात करेंगे, जॉब सिनेरियो कैसा है, फैकल्टी जो पढ़ाते हैं प्रोफेसर्स वो कैसे हैं, वर्थ इट भी है, मतलब अच्छी पढ़ाई है या नहीं है बेसिकली, और फिर हम बात करेंगे उसके बाद एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की। पूरी वीडियो जरूर देखते रहना, लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने से यार मुझे ये पता लगता रहता है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ और आपको जो वीडियोज चाहिए वो लेके आ रहा हूँ। बाकी आपको कोई भी अगर रिक्वेस्ट हो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस चीज पे वीडियो बनाने की पूरी ट्राई करूंगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं वीडियो में और रिव्यू करते हैं हम रेड रिवर कॉलेज EDC कैंपस का। हाँ जी, तो करण सबसे पहले मेरे को बताओ कि मैनिटोबा, ओवरऑल पूरे मैनिटोबा में रेड रिवर कॉलेज के कितने कैंपसेज हैं और विनिपेग में कितने हैं? मेन विनिपेग में ही दो मेन कैंपसेज हैं, तो हम पूरे मैनिटोबा में देख लेते हैं कितने कैंपसेज हैं और देन बात करते हैं विनिपेग की। पूरे मैनिटोबा में ऐसे कि बहुत सारी सिटीज हैं, पर मेन तो हमें जैसे पता है विनिपेग ही है। विनिपेग, या यहाँ पे मैनिटोबा में रेड रिवर कॉलेज के 8 कैंपसेज हैं पूरे, और विनिपेग में सिर्फ दो हैं। एक है नोटर डेम कैंपस जो एयरपोर्ट के पास है, एंड दूसरा है ये EDC कैंपस जो हमारा डाउनटाउन में है। ओके, ऑलराइट, तो मतलब दो मेन कैंपसेज हैं विनिपेग में, एंड देन बाकी जो है 8 टोटल, राइट? तो करण मुझे एक चीज बताओ कि सबसे पहले कि प्रोग्राम कौन सा आपका और आप कितनी साल की मतलब आपकी स्टडी है? अभी मेरा प्रोग्राम है सोशल इनोवेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओके, एंड ये प्रोग्राम वैसे तो 2 साल का है अगर डिप्लोमा करना हो, लेकिन अगर आपको 1 साल का कोर्स करना है तो वो सर्टिफिकेट एग्जिट है, तो सर्टिफिकेट एग्जिट के बाद भी हमें वर्क परमिट मिल जाता है। ओके, मतलब अगर आप 1 साल का सर्टिफिकेट करते हो तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, 2 का करते हो तो 3 का मिलता है, राइट? और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे PR जल्दी हो रहा है तो ज्यादा करने का मेक सेंस नहीं होता, बाद में आप PR लेके पढ़ाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी जा सकते हो, कुछ भी आपके पास ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? तो राइट, आपको कुछ ऐड करना चाहते हो? इस कोर्स का ये फायदा है कि ये है कम्युनिटी के लिए कोर्स, लाइक यहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल है उनकी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, उनको उनका लेवल उठाने के लिए। तो इसकी जॉब सीधी रेड क्रॉस में लगती है, लाइक कोऑप कह सकते हैं हम। अगर वहाँ पे इंटर्नशिप, और वैसे भी नॉर्मली हम जॉब अप्लाई करते हैं, तो अगर मिल जाती है तो हम एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीधा। ओके, सीधा एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बढ़िया चीज है, मतलब मुझे नहीं पता था इस चीज का, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप जब तक डीपली स्टडी ना करो आपको पता नहीं लगता, बाहर से हम कुछ कुछ चीजें ही देख पाते हैं। तो करण, अकोमोडेशन कैसी है आसपास? जैसे ये तो डाउनटाउन एरिया है बिल्कुल ही, यहाँ पे आसपास काफी चीप है, पर डाउनटाउन एरिया इतना सेफ नहीं है, राइट? मेरे हिसाब से तो आप क्या मतलब कितने की आपको शेयर्ड रूम मिल जाता है आसपास अगर हम देखना चाहें तो? अगर तो ऑन कैंपस की बात करें तो जो नोटर डेम कैंपस है उसके पास अकोमोडेशन जो ऑन कैंपस पे है वो अराउंड 700 के मिलता है पर रूम। जो यहाँ पे डाउनटाउन में है वो है पीटरसन ग्लोबल फूड, यहाँ पे इनका दूसरी ब्रांच है जो सिर्फ किचन के रिलेटेड है। तो सारे कोर्सेज उधर ही होते हैं, उसके साथ में उसके लाइक साथ में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे सारी स्टूडेंट अकोमोडेशन है, एंड इस अकोमोडेशन को आई गेस 650 के अराउंड या 600 के अराउंड मिल जाता है एक रूम। ओके, और अगर हमने बाहर लेनी हो अकोमोडेशन जैसे अपना प्राइवेटली शेयर्ड, या फिर क्योंकि यार टू बी ऑनेस्ट कि इतने ज्यादा बंदे नहीं मतलब जो रूम ऑन कैंपस लेना पसंद करते क्योंकि कॉस्ट भी ज्यादा होती है, जैसे मैं भी बाहर रहा था, तो उसमें कितने की आपको, आप कितनी अकोमोडेशन पे करते हो अगर आपको बताना कंफर्टेबल हो तो? मैं हाँ, कुछ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ऐसे फैमिली के साथ रहता हूँ अभी तो। अच्छा, या ओके, पर मेरे फ्रेंड्स जो वो जैसे रहते हैं शेयरिंग में, तो वो 6 जने रहते हैं घर में, पूरा घर लिया हुआ है,
सब पूरा घर 1600 में मिला हुआ है। ओके विद बेसमेंट, विद बेसमेंट में तो मतलब 1600 का घर, बाकी हाइड्रो वगैरह लगा के मतलब 300 के करीब उनका 300-350 के करीब आपको शेड में जो है वो मिल जाएगी अकोमोडेशन, जो कि इतनी बड़ी इशू नहीं होगी। विनिपेग में यही फायदा। तो करण अब बात करते हैं फैकल्टी की, मतलब आपको प्रोफेसर्स कैसे लगे यहाँ पे, मतलब पढ़ाई कैसी लगी ओवरऑल, और आपको मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा बेसिकली आपका 8 महीने की स्टडी में? वैसे तो ये मेरा लाइक फर्स्ट मंथ था पूरे कैंपस में। अच्छा, मतलब आपने ऑनलाइन ही पढ़ा था? नहीं, मेरी स्टार्टिंग ये अगस्त में हुई थी। ओके ऑलराइट। पर एक महीने का जो एक्सपीरियंस है, मैं क्या बताऊँ कि टीचर्स है ना, वो हम उसको उनको टीचर्स नहीं कह सकते, वो इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, हमारे जैसे फ्रेंड्स होते हैं नॉर्मल, हमारी कैजुअल जो बोलते हैं हम एक दूसरे से, राइट? वैसे है, कोई ऐसे मतलब डर वाला माहौल, फॉर्मेलिटी वाला माहौल नहीं है, डर वाला नहीं है, कुछ भी हो पूछ सकते हो। और यार कनाडा में मतलब मोस्टली मैं तो कहता हूँ कि कोई भी अगर आ रहा है उनको ऐसी फैकल्टी ही मिले, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही था, मोस्टली जो फैकल्टी थी वो काफी अच्छी थी, और यहाँ पे उनको रहना भी पड़ता अच्छा, क्योंकि काफी ज्यादा रूल्स हैं जो यहाँ पे होते हैं, राइट? तो उस हिसाब से आपको मतलब टीचर्स इतना स्ट्रिक्ट हो भी नहीं सकते, बट हाँ कोई अच्छे टीचर्स मिल जाए तो यार उनका मजा ही अलग होता है, फिर काम करने का भी मन करता है, और ऐसा होता है कि हाँ भाई ये चीज करनी है। तो फैकल्टी अच्छी भी है और ओवरऑल मतलब आपको पढ़ने का मजा आ रहा है, मेन ये बात है। हाँ, मजा ये स्टडी जो है मेरी सोशल इनोवेशन की, इसमें ऐसे नहीं कि सारी हमारी किताबी नॉलेज है, सारा प्रैक्टिस है। ओके, तो हम ऐसे नहीं है कि क्लास में बुक्स लेके घूमते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट की बुक है सिर्फ, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट? बाकी सारा ऑनलाइन है, जो भी पढ़ाते हैं वो पूरा ऐसे अच्छे से पढ़ाते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसे सिस्टम है रेड रिवर में कि अगर 2 घंटे की क्लास है तो 50 मिनट्स की क्लास होगी, फिर 10 मिनट्स की ब्रेक, एंड देन 50 मिनट्स एंड 10 मिनट्स की। ओके, मेक सेंस। या ऐसे ही यार ऑब्वियसली इतने लंबे बाउट्स में तो पढ़ा भी नहीं जाता, तो ये चीज़ सही है। और अगर मैं बात करूँ यार, अगर आप वैसे आपने बताया कि 1-1.5 महीने ही हुआ आपको, जॉब्स का इतना पता नहीं होगा, बट आपने कभी सुना आगे पीछे कि जॉब्स का क्या हिसाब है अगर मतलब कोई रेड रिवर में आने का सोचा? एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जॉब्स किसी भी कॉलेज की प्लेसमेंट्स पे डिपेंड नहीं करती, आपकी सोल स्किल्स पे डिपेंड करती हैं, और आपके मतलब डिप्लोमा, अगर जैसे करण के पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है, मैंने अपनी स्किल्स पे कुछ काम नहीं किया और करण ने अपनी स्किल्स इनहेंस की, तो करण को जॉब मिलेगी इवन दो मेरे पास सेम डिप्लोमा सेम कॉलेज से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बट स्टिल वैसे मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना रेड रिवर का काफ़ी अच्छा मतलब रेपुटेशन है मैनिटोबा में, तो आपका क्या मतलब सुना आपने कुछ ऐसा वैसा? हाँ जी, रेड रिवर कॉलेज ऐसे कि करियर कॉलेज है, ये फोकस ही मेन स्किल्स पे करते हैं। तो अगर ऑन कैंपस की बात करूँ तो ऑन कैंपस बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे कि अभी अगस्त में हायरिंग हुई थी, तो सभी पोजीशन सभी तो फॉलो होगी। ओके, तो मतलब वही सीजनल हायरिंग चलती रहती है, जैसे आपको कॉलेज के अंदर अगर मिल जाए पोजीशन तो यार अनलिमिटेड आवर, मतलब अनलिमिटेड नहीं बोल सकते, हाँ मतलब 20 आवर्स से ऊपर आप 30-40 आवर्स कर सकते हो इजिली। हाँ, तो वो चीज है। बाकी ये फर्क है कि विनिपेग में मिनिमम अभी 1350 हुआ है। अच्छा, होगी 1350। ओके, अब 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। हाँ, 1 अक्टूबर से 1350 हो रहा है, मतलब पहले 1190 कुछ है, राइट? ओके, 1195। या पर कैंपस में करने का ये फायदा कि यहाँ पे मिनिमम ही हमें $17 मिलते थे घंटे के। ओके, ये चीज अच्छी है, अगर आप किसी तरीके मतलब अपनी नेटवर्किंग से कैंपस में जॉब ले लो तो $17 इज लाइक वे टू मच मनी एज अ स्टूडेंट, बट लाइक काफी ज्यादा बड़ी बात है। करण मेरे को एक चीज बताओ कि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कैसे है? मैंने देख लिया भाई जिम भी, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी रेड रिवर कॉलेज के जो टूर हमने किया उसको जाके चेक करो, और जिम तो है ही है, और बाकी काफी ज्यादा फैसिलिटीज होंगी यार, ऐसे स्टूडेंट सर्विसेज होगी या कुछ भी ऐसा आप बताना चाहो तो? यहाँ पे चेंज डिस्ट्रिक्ट जैसे छोटा कैंपस है पर फैसिलिटीज यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका काम ये है कि वो स्टूडेंट को एडवोकेट करते हैं, अगर उनको किसी भी एडवोकेसी के लिए जरूरत है तो वो लॉयर की तरह ऐसे परफॉर्म करते हैं पहले तो। और दूसरा, अगर हमें लाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैगो कार्ड चाहिए तो वो यहीं से मिल सकता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करते हो कहीं भी एज अ स्टूडेंट तो आपको चीप पड़ता है इंस्टेड ऑफ रेगुलर कार्ड से, तो स्टूडेंट होने के काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो वो आपको कॉलेज में जब आप ओरिएंटेशन अटेंड करोगे तो वो आपको मेंशन कर ही देंगे, बताते हैं वो जी। और ऐसे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई के रिलेटेड, तो पहले तो आप स्टूडेंट एसोसिएशन के पास जा सकते हो कि मुझे इस कैंपस में ये दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप क्या कर सकते हो, अगर हम नहीं कुछ कर सकते तो वो उसको स्टूडेंट डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के पास लेके जाते हैं। ओके, तो मतलब यही चीज है कि आपकी सुनी जाएगी यार। कनाडा में मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होगा जहाँ पे स्टूडेंट्स को वैल्यू नहीं किया जाता, क्योंकि यार देखो इनकी इकोनॉमी स्टूडेंट्स में चल रही है और यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, तो इसीलिए मतलब वो चीज है कि स्टूडेंट की ऐसा नहीं होता कि नहीं सुन रहे, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ऑलवेज स्पीक अप, और आपको लोग काफी ज्यादा हेल्प करेंगे और काफी
काफी ज्यादा चीजें जो आपकी हो जाएंगी। तो करण, आपकी फीस कितनी है एक साल की जो आपके प्रोग्राम की? इस कोर्स की फीस है अराउंड $18,000 एक साल की। एक साल की मतलब एक सेमेस्टर की 9,000। और मतलब थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे है क्योंकि रेड रिवर, हाँ ये चीज है, रेड रिवर थोड़ा कॉस्टली है, बट ये चीज है कि वैल्यू उतनी उसकी ज्यादा है, तो वो चीज को आप कंसिडर कर सकते हो। तो बाकी सारे कोर्सेज की भी सेम फीस है या फिर कुछ वेरी करता है? बाकी कोर्सेज जैसे वेब डेवलपमेंट है उसकी थोड़ी सी ज्यादा है, पर ऑलमोस्ट 20,000 या 21,000 से ज्यादा किसी की, 18 से 20 के बीच की फिगर है। मतलब मेन वही, हमारा भी मतलब ऐसे ही था सैनिका में, तब तो 2 साल पहले 3 साल पहले तो फीस भी कम होती थी। और एक चीज मैं आपको और मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे गाइस, क्योंकि ये चीजें मतलब हमें इंडिया में रहते नहीं पता लगती, यहाँ पे फीस आपके कोर्सेज के हिसाब से होती है। जितने कोर्सेज आप पिक करोगे, अगर आपने एक कोर्स अगले सेमेस्टर का भी पहले उठा लिया तो आपकी फीस बढ़ जाएगी, और अगर आपने ड्रॉप कर दिया, आप कहते हो कि मैं अगले सेमेस्टर में करूंगा, तो वो उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे हमारे पास 5 कोर्स है पहले सेमेस्टर में, अगर हमें लगता है कि हमें वो कोर्स पहले आता है, लाइक हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज है, तो इनका रिकॉग्नाइजेशन टू प्रायर लर्निंग एक प्रोग्राम है RPL, तो हम उसके थ्रू एग्जाम दे सकते हैं, तो हमें वो कोर्स नहीं करना पड़ेगा, उसकी फीस भी रिफंड हो जाएगी। ओ वाओ, ये चीज मेरे को बिल्कुल नहीं पता थी। हमारे में वो था कि अगर आप क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो, इंडिया में आपने डिग्री की है, उसमें ऐसा कोई कोर्स था या सब्जेक्ट था जो यहाँ पे भी आपको है, तो आप उन दोनों को मतलब आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, बट दिस इज अ न्यू थिंग जो कि मेरे को भी पता लगी है। जैसे कि स्टूडेंट एसोसिएशन की बात हो रही थी, तो स्कॉलरशिप भी वो दिलवाते हैं, उनके पास अराउंड आई गेस $40,000 का बजट है, दे हैव 30-35 स्कॉलरशिप्स, तो वो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, तो वो बोल रहे थे कि ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं है, तो वो कहते कि ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें, तो उसके बाद उनको ज्यादा फंडिंग के लिए ऑप्शंस मिल सकती है, अप्लाई कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली यार, अगर $2,000-3,000 का भी तुम्हें ऑफ मिलता है ना, दैट्स लाइक 3 months ऑफ योर पार्ट टाइम जॉब, तो जहां भी स्कॉलरशिप का चांस मिलता है अप्लाई कर देनी चाहिए, और बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। एक साल के प्रोग्राम के बाद आपको 6 महीने का वर्क परमिट पे एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और वो कहीं कहीं भी हो सकता है। राइट, या वो कहीं पे भी हो सकता है, पर अगर आपको 9K की जॉब मिलती है लाइक द मैनेजर और समथिंग, तो वो ज्यादा बढ़िया, ज्यादा बढ़िया होता है। वो ज्यादा आई गेस PNP जल्दी लगा सकते हैं उस पे हम। ओके, ऑलराइट, कुछ मतलब ऐसा सिस्टम है, वो ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हो मैनिटोबा की वेबसाइट पे, बट 6 months का एक्सपीरियंस। मेरे कई बंदे मैंने ऐसे जानता हूँ, उन्होंने 8 months का प्रोग्राम लिया, 6 महीने का आगे एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, मतलब 1 साल 2 महीने में उनकी एलिजिबिलिटी पूरी, अगले 2 महीने में उनकी PNP आ गई थी, एंड देन 6-7 महीने में PR। तो 2 साल के स्पैन में ही वो PR हो गए। पर ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप आ रहे हो एक बार पूरी रूल्स देख लो, क्योंकि रूल्स कैन एनी टाइम चेंज। और करण, थैंक यू सो मच अगेन फॉर हेल्पिंग ऑल द यू नो सब्सक्राइबर्स जो कि रेड रिवर कॉलेज या स्पेसिफिकली विनिपेक आने का सोच रहे थे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कॉमेंट कर दो, करण नीचे आपको जो भी उसको जितनी भी नॉलेज होगी उस चीज को वो आपको रिप्लाई कर देगा। बाकी दोनों का इंस्टाग्राम आपको नीचे मिल जाएगा, लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया। और कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप चाहते हो कवर करने के लिए, तो वो आप हमें बता देना, हम वो भी कवर कर लेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियोस कभी हम करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। नॉटरडेम कैंपस का टूर हमने करना है, और उसके लिए हमने बोला हुआ 3,000 likes, या 3,000 likes चाहिए हमें। अगर आप 3,000 likes कर देते हो, देन हम नॉटरडेम कैंपस भी लेके आएंगे आपके लिए। यही था आज की वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।